गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों नमस्ते। आज मैं आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूँ। मैं लिबर्टी गार्डन इंग्लिश मीडियम की टीचर हूँ, जो मलाड़ वेस्ट में आई हुई स्कूल है। मेरा नाम प्रीति शेठ है और मैं आज आप सबको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, आज हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, हमें ये जूम पे या ऐसी कोई गूगल मीट वगैरह पे पढ़ना पड़ता है, और उसके पीछे एक ही कारण है, वो है कोरोना की बीमारी। कोरोना की बीमारी ने पूरे विश्व को अपने लपेट में लिया हुआ है, कोई नहीं बचा उससे। और सारे लोग और सारे देश के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसकी दवाई ढूंढी जाए, और वो लोग उसके पीछे बहुत रिसर्च कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो बहुत जल्द रस्सी आ जाएगी। लेकिन तब तक उन वैज्ञानिकों के रिसर्च के बारे में, वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पे उतना कहा है कि अगर हमें अपनी ये बीमारी से अपने आप को बचाना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर के अंदर रही हुई हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोग प्रतिरोधक शक्ति हर एक के अंदर, शरीर के अंदर होती है, उसे हमें मजबूत करना है बच्चों। और वो मजबूत हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारी आयुर्वेदिक संस्थाओं ने हमें ये सलाह सूचन दिया है कि आप जड़ी बूटियों का काढ़ा पियो, और उस काढ़े के हिसाब से आपकी अंदरूनी शक्ति, आपकी आंतरिक शक्ति, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, वो बढ़ती है। तो बच्चों, ये जड़ी बूटियों के बारे में ही जानकारी देता हुआ, ये जड़ी बूटियों का महत्व समझाता हुआ हमारा आज का लेसन, जो एक पोयम के रूप में है, हास्य भर के ये कविता आप लोगों के सामने रखी है। तो चलो हम सब आज ये कविता पढ़ते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा हिंदी का लेसन नंबर 5 बंदर का धंधा है। ये बंदर का धंधा, कक्षा 7वीं की 5वीं कविता, जिसके रचयिता है कवि नरेंद्र गोयल। बच्चों, उनके बारे में कुछ परिचय आपको दूं, तो उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में हुआ था। वो पिलखुआ गांव से थे, जो गाजियाबाद शहर में आया हुआ है, और गाजियाबाद शहर उत्तर प्रदेश में आया है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए लिखी है, उनकी बहुत सारी रचनाओं में से, बच्चों रचना यानी उन्होंने जो लिखा है, वो उन्होंने कविता लिखी है, स्टोरी लिखी है, छोटे छोटे लेसन लिखे हैं, उन्हें रचनाएं बोली जाती है। तो रचनाएं यानी गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, ची 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 आदि उन्होंने लिखा है। यहाँ आदि का मतलब होता है और भी, वगैरह वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, वो ही। चलो आप कुछ गोयल जी के बारे में जानकारी ले लें। नरेंद्र गोयल जी, वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान यानी क्या? बच्चों, बाल यानी बच्चे, और मनोविज्ञान यानी उनकी मानसिक परिस्थिति। छोटे बच्चों की मानसिक परिस्थिति क्या होती है, वह लोग क्या सोचते हैं, उन्हें कैसी चीजें पसंद है, उन्हें कैसी कैसी चीजों को करना अच्छा लगता है, ये सब बारे में, इसके बारे में गोयल जी बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसीलिए उन्होंने बच्चों को उपयोगी हो, बल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है।
वह उन्होंने अपनी सारी रचनाएं हिंदी में दी है। बच्चों में उनके बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ। वह वैसे तो एक उद्योगपति है और हमारे नेशनल लेवल पे जो फ्लाइट्स है उसमें से जो जेट फ्लाइट है उनके वो चेयरमैन है। अभी यह कविता में उन्होंने क्या बताया है, क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता का मूल भाव है, प्रस्तुत कविता में कवि वनौषधियों होने वाले पारंपरिक उपचार उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। यानी उन्होंने जो वन औषधि, वन यानी जंगल और औषधि यानी दवाई, उन्होंने जो वन औषधि उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उसका उपयोग कैसे होता है वो सारा उन्होंने उन्हें बताया है और उसका उपयोग कैसे करना है वो भी बताया है। लेकिन बच्चों वो सीधे साधे रूप से नहीं बताया, उन्होंने हमें वो पढ़ने में मजा आए, हंसी आए, बहुत ही अच्छी लगे, उस तरह से हास्य के माध्यम से उन्होंने ये कविता आप लोगों के सामने रखी है। तो बच्चों हम सब आपको ये कविता आपको दिखाई देती है। कविता बच्चों हाँ दिखाई देती है, मुझे पता चलता है। तो अपनी कविता का शीर्षक है बंदर का धंधा। मैं अभी कविता पढ़ती हूं और आप लोग आपकी सामने अपनी टेक्स्ट बुक को रखें और टेक्स्ट बुक के अंदर मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे उंगली के साथ साथ आगे बढ़े, उंगली वहां शब्द पे लगाए। बच्चों इससे क्या होगा कि आपको उस शब्द का उच्चार यानी प्रोनाउंस अगर नहीं पता है तो मैं जब बोलूंगी आपको वो समझ में आएगा कि कैसे बोलना है, बराबर है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ, पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी और आप सबको साथ में पढ़ना है, मन में पढ़ना है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, इस जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छुमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, बंदर बोला घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से बहलाता, जंगल से बहलाता। तो बच्चों आप सबने देखा कि ये कविता में अगर हम लोग शांति से अच्छे से गाए या पढ़े तो हमें आधे से ज्यादा मतलब अर्थ तो उसी में समझ जाता है। अच्छा बच्चों मुझे बोलो ये कविता कैसी कविता है? हाँ बच्चों ये एक काल्पनिक कविता है। तो काल्पनिक कविता यानी क्या?
काल्पनिक कविता यानी हम जो कल्पना करते हैं, हम जो सोचते हैं और वही अगर हम सामने होता हुआ देखते हैं उसे काल्पनिक बोलते हैं। जैसे आप लोग टीवी में कार्टून देखते हो कि नहीं, वो कार्टून में, कई कार्टून्स में ऐसा होता है कि एनिमल्स बात करते हैं, एनिमल्स एक दूसरे के साथ हमारी तरह रहते हैं, हम जैसे जिंदगी जीते हैं वैसे ही वो लोग जीते हैं, बोलते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, मिल बांट के रहते हैं। तो वो सारी काल्पनिक चीजें, हकीकत में आपने कभी देखा है, कहीं पर भी देखा है कि कोई भी एनिमल बात करता हो? नहीं ना। तो वो काल्पनिक बातें हैं, वो कार्टून सारे काल्पनिक है। तो ये कहानी भी एक काल्पनिक है जिसमें सारे एनिमल्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और वह बात कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, अभी आपके सामने फर्स्ट स्टैंजा है, तो फर्स्ट स्टैंजा मैं पढ़ रही हूं और आपको समझा रही हूं, अच्छे से समझो। ठीक है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। बच्चों ये कहानी एक जंगल की है। जंगल में घूमते घूमते बंदर को एक दिन एक टूटा फूटा आला मिला। आला पता है क्या है? आला यानी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ये अपने कान में लगा के हमारे शरीर के अंदर की ध्वनि यानी हमारी धड़कन को सुन के वो अंदाजा लगाते हैं कि हमारी धड़कन का धड़कना सही है, कम है, फास्ट चल रहा है, उस पर से उन्हें बीमारियों का पता चलता है। तो बच्चों इसे आला कहते हैं। और बंदर को कैसा आला मिला था? टूटा फूटा। जाहिर है ना, जो टूट जाएगा, जो काम का नहीं होगा इंसान के लिए, वो ही डॉक्टर हम लोग फेंक लेंगे, और वो बंदर के हाथ लगा है। तो बंदर को जैसे ही आला मिला ना, उसने तो तुरंत तुरंत मन में एक सोच लिया कि चलो भाई इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और बंदर ने क्यों सोचा मालूम है बच्चों? आपको मालूम है इंसान सबसे होशियार माना जाता है, अक्ल इंसान को ज्यादा दी है ऊपर वाले ने, और आपको तो पता है इंसान की उत्पत्ति बंदर से ही हुई है। तो बंदर में भी अन्य प्राणियों के मुकाबले ज्यादा अकल है। जैसे ही आया उसने सोचा चलो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। तो उसने क्या किया, जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। उसने अपना दवाखाना खोल दिया, कुर्सी और मेज लगा दी। जैसे आला जंगल से मिला वैसे कुर्सी मेज नहीं मिली, लेकिन वहां के पेड़ पौधे, कटे हुए पेड़, जो भी सामान उसे मिला उसको लगाकर उसने अपना दवाखाना खोल दिया, दुकान खोल दी। और जैसे ही उसने दवाखाना खोला, वहां पे एक भालू आया, और भालू ने आकर क्या बोला, मुझको खांसी और जुकाम, डॉक्टर साहब मुझे क्या है, खांसी और जुकाम है, तो मैं क्या करूं, मुझे दवाई दो। तो बंदर ने क्या बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तो बच्चों तुलसी, ये तुलसी है, बरोबर है, आप सबको पता है तुलसी, जिन्हें नहीं पता है वो देख लो। और ये है पीपल का पेड़, ये पीपल के पेड़ की जो जड़े हैं उसे और तुलसी पत्तों को पानी में डाल के चाहिए, और उबालना यानी सिर्फ गर्म नहीं करना है, उसको उबालना है। जब उबाल आए, दो तीन बार उबाल आए, पानी जितना भी हमने लिया है वो थोड़ा कम हो जाए तब तलक उबालना है। क्यों? क्योंकि
उसके अंदर जो पीपल की जड़ के अंदर और तुलसी के अंदर जो रस है, जो गुण है, आयुर्वेदिक गुण है, वो सारे पानी के अंदर आए, और वह पानी का सेवन करने से, वह पानी पीने से हमारी शरीर के अंदर की बीमारियों का हल मिलता है हमें, वो दूर होती है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा पे जाते हैं। उसने क्या बोला, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छो मंतर होए फीस तभी तुम देना। डॉक्टर ने यानी बंदर ने बोला कि ये तुलसी और पीपल की जड़, उसको पानी में उबालो और वो पानी को सुबह और शाम दो समय लेना, तो आपकी खांसी छू मंतर हो जाएगी, और जब आपको इसका फायदा होगा, ये इलाज का फायदा होगा, तभी आप मुझे फीस देके जाना। यानी वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है, विश्वास में लेता है कि जो मैं बोलता हूँ वो आपके लिए सही दवाई है। बंदर सारे प्राणियों को इस तरह से अपने विश्वास में लेता है, और विश्वास में क्यों कोई लेता है, ताकि उसका धंधा चल पड़े, उसकी दुकान चल पड़े। तो बच्चों उसने इसलिए ये इलाज दिया, और जैसे ही भालू गया तो उसके बाद कौन आया, देखो बिल्ली आई, और बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी उसे उतार। बिल्ली ने आके क्या फरियाद की कि मुझे 104 बुखार है। बच्चों बुखार को नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर। देखो आपकी स्क्रीन के सामने है ये थर्मोमीटर में जो यहाँ पर पारा लगा है, देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पारा है। ये जैसे ही हम हमारे बदन को लगाते हैं, हमारे बदन के अंदर की गर्मी से पारा गर्म होता है, और वो पारा गर्म होके यहाँ पूरा उसका टेम्परेचर दिखाता है, देखो बढ़ता जाता है, जैसी शरीर की गर्मी उस तरह से दिखाता जाता है। तो जब तक ये पारा 99 तक दिखाए तब तक ठीक है, क्योंकि हमारे बदन के अंदर की गर्मी 99 तापमान दिखाए तब तक मानी जाती है नॉर्मल, बरोबर है, तो नॉर्मल मानी जाती है ये, और उससे बढ़ जाए तो वो बुखार कहलाती है। आप लोगों को भी बुखार हुआ होगा, डॉक्टर ने या घर में किसी ने इससे नापा होगा, लेकिन इसको नाप के देखते कैसे हैं, आज अच्छे से समझ लो। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब बढ़ते बच्चे हो, अभी आपको मालूम होना चाहिए। समझो घर में कभी बड़े नहीं हैं और हमें ऐसी परिस्थिति आई कि हमें बुखार नापना पड़ा, तो आप सबको इसका नॉलेज होना चाहिए, आपको ये नापने को आना चाहिए। तो बिल्ली ने क्या बोला, मुझे क्या है 104 बुखार, बहुत बुखार है बच्चों, तो ये 104 बुखार है, और इसलिए वो शिकार पर नहीं जा सकती, तो वो फरियाद करने आई। शिकार पर उसे क्यों जाना है, बच्चों आप सबको तो खाना घर में मम्मी बना के दे देती है, हम लोग को घर में बैठा बैठा है कुछ भी मन किया कर हम बना के खा लेते हैं, लेकिन एनिमल्स लोगों को ऐसा अपने जैसा घर नहीं है, वो लोग हर रोज का शिकार अपना करते हैं और अपना पेट भरते हैं। अगर बुखार के कारण बिल्ली शिकार नहीं कर पाई तो उसका और उसके घर वालों का, उसके बच्चों का पेट कौन भरेगा, इसलिए वो तकलीफ में आ गई और जल्दी जल्दी बंदर डॉक्टर के पास आई और बोला मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। चलो आगे किस सेंसे में देखते हैं बंदर ने क्या जवाब दिया। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। उसने क्या दवाई दी, उसने और एक नई जड़ी बूटी दी, उसने गिलोय दिया। ये गिलोय क्या है बच्चों, ये गिलोय एक बेल है, और इसके पत्ते को अमृत भी कहा जाता है, अमृता। क्यों अमृता कहा जाता है,
क्योंकि इसके अंदर अमृत जैसे गुण है। वो गिलोय का रस पीने से हमारे शरीर के जो तापमान बढ़ जाता है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है। तो बंदर ने क्या बोला, ये गिलोय के पत्ते को पानी में उबाल और तू क्या करना, कल 3 बार पीना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी डॉक्टर हमें बोलते हैं ये गोली सुबह लेनी है, ये दोपहर लेनी है, ये 2 बार लेनी है, ये 3 बार लेनी है। उसी तरह बंदर डॉक्टर ने बोला कि कल इसका रस बना के तुम 3 बार पियो, जल्द से जल्द दूसरे ही दिन तुम उठ जाओगी, यानी तुम्हारा बुखार चला जाएगा। और उसने क्या बोला, तुम डांस करोगी। डांस हम कब कर सकते हैं, जब हम स्वच्छ स्वस्थ रहते हैं। तो उसने इस तरह से ये बताया कि वो स्वस्थ हो जाएगी। यहाँ पे डांस करोगी यानी सच सच में उसको डांस नहीं करना है, लेकिन बंदर का कहना ये है कि अगर ये दवाई लोगे तो आप अच्छे से जल्द से स्वस्थ हो जाओगे और अपना काम कर सकोगे। चलो नेक्स्ट टेंजा लेते हैं बच्चों। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बताओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। लोमड़ी, लोमड़ी यानी फॉक्स, सबसे चालाक एनिमल माना जाता है लोमड़ी को। तो लोमड़ी आकर अपनी फरियाद कैसे करती है, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे क्या चाहिए? डॉक्टर सिर्फ बीमारी की दवा करता है? नहीं, अपनी फरियाद भी सुनता है और हो सके उतना उसका इलाज करता है। तो उसको ना सबसे सुंदर बनना है, यानी अपना रूप और रंग को निखारना है। तो आजकल के बच्चे भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देख के, मम्मी ये फेयर एंड लवली लाओ, मम्मी वो लाओ, मम्मी ये लाओ, चाह हल्दी टर्मरिक लाओ, ऐसा बोलते हैं आकर्षित होके, क्योंकि उन्हें सुंदर बनना है। तो लोमड़ी को भी सुंदर बनना था, तो उसने किससे सलाह मांगी, बंदर डॉक्टर से। उसने बंदर डॉक्टर से सलाह मांगी कि मैं सबसे सुंदर दिखूं ऐसा कोई मुझे बूटी दो, ऐसा इलाज बताओ। तो बंदर तो खुश हो गया, उसके यहाँ तो एक के बाद एक पेशेंट आते जाते थे, उसका धंधा चलने लगा था। तो उसने तुरंत ही जवाब दिया, बंदर बोला घी कवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। उसने क्या बोला, आप घी कुवार लगाओ। बच्चों घी कवार जिसे हम लोग इंग्लिश में एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों में भी किया जाता है, यानी उसको इंटेक करने से, हमारे शरीर के अंदर निगलने से, मुंह के द्वारा अंदर डालने से भी हमारे शरीर की बहुत सारी मुसीबतों का, तकलीफों का अंत लाया जा सकता है। और इसको मुंह पे लगाने से भी हमारी त्वचा बाहरी रूप से भी हम लोग उसे निखार सकते हैं। बच्चों ये एलोवेरा की जो स्किन रहती है, उसकी जो चमड़ी रहती है, वो अगर हम निकाल देंगे तो उसके अंदर से एक जेल जैसा पदार्थ निकलता है और उसी को मुंह पे लगाना है, ऐसा बंदर ने लोमड़ी को बताया। और फिर इतना भी बोला, वो क्या बोला कि जब तुम्हारा चमकेगा ना चेहरा, किसके जैसा, कुंदन जैसा, कुंदन यानी सोना, जो सोने की चेन, सोने की बैंगल्स हम लोग को दिखाई देती है ना मम्मी पापा के पास या दुकानों में, उस सोने की बात कर रही हूँ। तो वो सोना गोल्ड यानी गोल्ड, तो गोल्ड कितना चमकता है, गोल्ड को जितना देखो दिन ब दिन वो चमकता जाता है। तो जैसा गोल्ड चमकता है वैसा तुम्हारा चेहरा चमकेगा, ऐसा बंदर ने बोला। और उसका पूरा उसने खातरी दिया, उसने बोला कि आपका घी कवर लगाने से चेहरा जरूर चमकेगा। और जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि नहीं अभी मुझे ये दवाई बहुत अच्छे से लागू हुई है, उस दिन मुझे फीस दे जाना, मुझे अब कोई जल्दी नहीं है। वापस एक पेशेंट को उसने अपने
विश्वास में ले लिया। बच्चों ये सबसे मजेदार बात यह है कि ये पोयम जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे सामने पूरा एक पिक्चर्स आ जाता है, एक पिक्चर आ जाता है कि हाँ कैसे होता होगा, कैसे होता होगा, क्यों, कौन बोलता होगा, कार्टून की तरह। तो यही हमें मजा दिलाता है, खुशी दिलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। अभी उसका धंधा तो चल पड़ा था, उसके पास पेशेंट्स आते जाते थे और सब उसकी बात मानते भी थे, और ये बात से वो उत्साही हो गया, और उत्साही होके वो क्या गया, जल्दी जल्दी जंगल में से कुछ जड़ी बूटियां, रोज रोज नई नई जड़ी बूटियां लेके आता था। कब किस पेशेंट को कौन सी देनी पड़े पता नहीं था उसे, इसलिए सारी जड़ी बूटियां लाकर वो बैठता था और सबका इलाज को दूर करने की, सबका इलाज करने की, सबकी मुसीबतें, सबकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करता था। बच्चों आप सबको पता है कि जड़ी बूटियां हम लोग हमारे घर के में रोज इस्तेमाल कहीं ना कहीं रूप से हमारी रसोई में करते हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कैसी मैं आपको बताती हूँ। देखो आप सब इसमें पहचानते होंगे। देखो बच्चों इसमें आप देखते हो ये है हल्दी, जो हमारे रोज बरोज की जिंदगी में हम लोग हमारी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे हम रोग प्रतिकारक रोधक भी बोलते हैं, एंटीसेप्टिक है। किस तरह से, अभी हमें कुछ लग गया, कुछ हमारे बदन से कुछ छोटा मोटा घाव लग गया और खून निकल पड़ा, तो जल्दी से हम लोग हल्दी को दबा देते हैं उसके ऊपर ताकि खून निकलना बंद हो जाए। ये एक एंटीसेप्टिक हल माना जाता है, जो हमारे रसोई में स्वाद तो बढ़ाता है, उसका रूप रंग भी बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें गुणकारी होती है। हाँ अब ये देखो काली मिर्च, ये काली मिर्च है, फिर ये है दालचीनी, बरोबर। अभी ये है आपको मेथी, मेथी पत्ता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और देखो फुदीना है, फिर आंवला है, सौंफ है, अदरक है, लौंग है, ये सब हम लोग हमारी रोज की जिंदगी में एक ना दूसरे तरीके से लेते ही हैं, बरोबर। हाँ तो आप सबको इसका महत्व समझ में आना चाहिए कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है, और ये सबका सेवन करने से बच्चों हमारी जो शरीर के अंदर शक्ति है जिससे हम रोग का सामना कर सकते हैं वो मजबूत होती है, वो बढ़ती है। समझ में आई बात, तो इसका सेवन करना चाहिए। आजकल कोरोना की बीमारी में भी सारे आयुर्वेदिक सेंटरों ने, डॉक्टरों ने हमें काढ़ा पीने को बोला है, तो वो काढ़ा क्यों पीना चाहिए, ताकि हमारी शक्ति बढ़े और कोरोना का मजबूती से सामना करे। हाँ तो ये सारी चीजों का काढ़ा बनाया जाता है, आप समझे ना बरोबर मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बच्चों, आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर में कैसा हीरो आता है, विलन आता है, सब आते हैं, बरोबर। तो क्या होता है पिक्चर में अंत में, जो विलन आता है ना उसको मार के, फाइटिंग करके या उसका कोई भी तरीके से सामना करके हीरो जीत जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का हीरो है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, और उसे मजबूत करने का काम ये सारी जड़ी बूटियां करती है, और बाहर से आने वाला कोरोना या तो उसके जैसी बीमारी वो सारे विलन है जिसका मजबूती से वो सामना करता है और हमारे अंदर के रोग को मिटा डालता है या तो अंदर दाखिल देने नहीं देता है। तो बच्चों आप सबको ये समझ में आ गई होगी पोयम, मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो मैं इसके अंदर आए हुए कुछ शब्द युग्म को
आपको समझाना चाहती हूं जो आपकी स्क्रीन पे सामने है। अभी शब्द युग्म यानी क्या? शब्द युग्म यानी हम लोग ऐसे शब्द जिसे साथ में बोलते हैं। ज्यादातर हम लोग बहुत सारी चीजें दिन में बोलते रहते हैं। अभी आपके सामने ये पोयम में आई हुई वर्ड्स शब्द सामने रखा है, जैसे टूटा फूटा, कुर्सी मेज, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियां। बच्चों ये सब शब्द युग्म है। शब्द युग्म को चार चीज में बांटा गया है, उसको चार वर्गों में बांटा गया है। कोई कोई शब्द मुग ऐसे होते हैं जो दोनों शब्द का अर्थ एक ही निकलता हो। जैसे हम लोग बोलते हैं हंसी खुशी, बोलते हैं कि नहीं, तो हंसी का भी मतलब खुशी है और खुशी का भी मतलब हंसी है, जो हमें इस कविता में बहुत आई आई ना। हाँ, तो ऐसे शब्द को, यानी जिसका समान अर्थ निकलता है। दूसरा वर्ग ये है जिसमें विरोधी होते हैं दोनों शब्द। हाँ, हम लोग कभी बोलते हैं आना जाना क्या लगा रखा है, तो आना और जाना दोनों विरोधी है। हाँ, तो ऐसे दोनों विरोधी शब्द को साथ में रख के शब्द युग बनता है। और तीसरा है जिसमें एक ही वर्ड को बार बार लिखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं चल ना जल्दी जल्दी कर, हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी साथ में बोलते हैं, ये शब्द युग्म है, लेकिन एक ही शब्द है जल्दी जल्दी। और चौथा वर्ग है जिसमें पहला वाला अर्थ निकालता है और दूसरा वर्ड का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई क्या, तो पूछ यानी हमें जो पूछना है वो, लेकिन ताज का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसको तो प्रास बिठाने के लिए पूछताज ऐसे बोल दिया। तो इस तरह से चार वर्गों में शब्द युग्म को बांटा गया है। तो ये कविता के अंदर इतने शब्द युग्म है। बच्चों आपको अभी अपनी बुक में से ढूंढना है और बाद में लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये समानार्थी शब्द है बच्चों, और ये समानार्थी शब्द समान अर्थी यानी समान अर्थ है जिसका, जिसको अगर हम लोग हाथ लिखे तो हाथ, कर लिखे तो कर, हस्त, कोई भी चलता है उसके बदले में, जो भी लिखो उसका मीनिंग, जिसे इंग्लिश में आप लोग मीनिंग बोलते हैं। जड़ यानी मूल, जो पेड़ के मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, उसे हिंदी में जड़ बोला जाता है। और बंदर को मरकट भी बोला जाता है, कपी भी बोला जाता है, और इंग्लिश में तो मंकी बोलते हैं हम लोग, बराबर ना। हाँ, और जंगल को वन बोला जाता है, वनौषधि, वन औषधि यानी जिसमें जंगल के अंदर मिलने वाली औषधि। सुबह यानी प्रातः, जल्दी जल्दी, प्रातः यानी सबसे पहले का प्रहर, सुबह, जिसे हम लोग भोर बोलते हैं। और शाम यानी संध्या, जब सूरज ढलने लगता है। तो बच्चों ये आपको पूरी पोयम का मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये है, भालू को क्या हो गया था? बोलो आंसर, बोलो। भालू को कौन सी बीमारी हुई थी बेटा? क्या? वेरी गुड, उन्हें बाहर जुकाम हुआ था। और बिल्ली कहाँ जाना चाहती थी? शिकार पर। शिकार पर, वेरी। और डॉक्टर बिल्ली को, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को क्या इलाज बताया था, क्या पीने को बोला था? गिलोरी। क्या? गिलोरी। गिलोई का रस बनाकर पीने को बोला था, वेरी गुड। क्लेयर दिखना चाहती थी? सुंदर। हाँ, कौन कौन सुंदर दिखना चाहता है? हाथ है, हैंड्स रिंग करो, रेज योर हैंड। कौन कौन बच्चा सुंदर दिखना चाहता है? मैं अपना हाथ ऊपर करती हूँ, मैं अपना हाथ ऊपर करती हूँ। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ऐसे ना
एलोवेरा का जेल अपने मुंह पे लगाना शुरू कर दो, डॉक्टर बंदर ने हमें ये सलाह दी है। और आगे बढ़ते हैं, बंदर के हाथ क्या लगा था बेटा? टूटा फूटा आला। हाँ आला लगा, लेकिन टूटा फूटा लगा था, क्योंकि उसने उसको डॉक्टरी चालू कर दी। मुझे आई ना वो सुनने में। अभी भालू को उसने क्या दवाई दी थी? पीपल की जड़। पीपल की जड़, पीपल की जड़ बोला था? नहीं, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। वेरी गुड, यानी तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दोनों को मिला के पानी में उबालना है। उबाल के जो पानी बचेगा उसको पीना है, समझे? बराबर। वेरी गुड, समझ गए। लोमड़ी ने जो जड़ी बूटी मांगी थी ना, वो किस किस के घर के आजू बाजू में है, आपने देखी हुई है लाइव? रेज योर हैंड। आप लोग जब भी अपने रोजिंदी जिंदगी में जीते हो बच्चों, तो हम लोग कई जगह, हम लोग आजू बाजू देखते हैं, अभी तो सब बाहर निकलना मना है, लेकिन फिर भी टीवी देखते हो आप या फिल्म देखते हो, उसमें भी कई ऐसी चीजें आती है जिसको स्टोरी या हीरो हीरोइन के अलावा भी मार्क करना चाहिए। क्या दिखाया है उसमें, कौन सी रीत दिखाई है, कौन सी चीज दिखाई है, किसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, उससे हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है। तो ये एलोवेरा को आप लोग अच्छे से कहीं ना कहीं ढूंढना, ये तुमका आप लोगों की एक्टिविटी है, और उसको लिखना कहाँ पे देखा, हो सके तो उसका फोटो निकाल के अपने मोबाइल में रखना, और अगली बार जब आऊंगी ना तभी रेडी रखना, तो आप सबके पास से मैं वो देखूंगी कि एलोवेरा आप पहचान पाते हो कि नहीं हो। ठीक है।